अरे क्या दे रही है, इधर 5 किलो राशन बांट रहा है, उधर 5 किलो यूरिया डाई कम हो गया, रेट दूना हो गया, तो फायदा कहाँ है किसानों को? डीएपी 1400 रुपये जा रही है। अच्छा, नेनुआ 1 रुपया बिक रहा है, खीरा 2 रुपया बिक रहा है, देखिए हिरमाना कितना पैदा करके आदमी आए हैं सब। क्या है कि जब आप अग्निवीर लाए तो जो उसके पहले भर्ती थी 1.5 लाख लड़कों की, उनको आप फाइनल करा करके लाना चाहिए था। 1.5 लाख लड़कों की ज्वाइनिंग कैंसिल किया, उसके बाद आप हम लोग को पेंडिंग में डाल दिया, अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश के 80वीं सीट पे खड़े हैं, जिला सोनभद्र है और ये आखिरी चरण के चुनाव पे है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, सारे रणधीर जो है योद्धा बन के चुनाव प्रचार में लग गए हैं, लेकिन आज हम जानेंगे जनता का राय कि क्या है मत, किस मुद्दे पे चुनाव का इस बार चुनाव होगा। प्रतिनिधि का चुनाव करना जनता के इस बार मूड पे निर्भर करता है कि वो बदलाव चाहती है या तत्कालीन सरकार को चुनना चाहती है। हम आज बात करेंगे, मधुपुर में खड़े हैं हम इस समय, लोकसभा के 80वीं सीट है, ये आखिरी चरण का चुनाव है, सोनभद्र का जिला है और हम मंडी समिति मधुपुर में खड़े हैं। तमाम सारे किसान साथी हमारे साथ हैं और हम आज जानना चाहेंगे किस तरीके से प्रत्याशी उनके बीच में आके अपने चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, अपने चुनाव के बारे में बता रहे हैं और किस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं। आइए हम बात करना चाहेंगे कुछ चुनाव के लिए साथियों से। हमारे साथ खड़ा है, आप नाम बताइए। राजकुमार। राजकुमार जी, हाँ। राजकुमार जी, ये बताइए कि इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे हो रहा है? ये समय सपा के मुद्दे पर चुनाव है। क्यों सपा के मुद्दे पर चुनाव है भाई? सरकार से हम लोग एकदम पीड़ित हैं। अच्छा, हम लोग किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। किसान को तो किसान सम्मान निधि मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है? समय से क्या मिल रहा है? न खाद मिल रहा है, न बेंगा मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। किसानों की समस्याएं हैं, खाद बीज और सारी सम्मान निधि जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, आपका कहना था। हम किसी दूसरे से बात करेंगे, हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़ गए हैं, सीनियर सिटीजन है, हम उनसे जानना चाहते हैं। चाचा जी, हाँ जी, ये बताइए कि चुनाव किस मुद्दे पे इस बार हो रहा है, मुद्दा क्या है आपका वोट देने का? मुद्दा तो जो है ये से है कि बालू गिट्टी इतना सस्ता पहले रहे, आज इतना अथवा कि गरीबन का जो है मकान कैसे बनी, ये से जो है तेल इतना महंगा हो गल, खाद महंगा हो गल, बीज महंगा हो चल जा था, और किसान का 3 रुपया 2 रुपया 1 रुपया ये कुल बिकत हो। मतलब आपके कहने का मतलब है मुद्दा महंगाई है? महंगाई नहीं, किसान का महंगाई नहीं है, वो सरकार की, जैसे बालू तो किसान पैदा नहीं कर। मतलब किसान का जो सामान है, किसान का जो पैदावार है वो महंगी नहीं बिक रही है, लेकिन कंपनियों का प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है। हाँ, महंगा बिक रहा है, ये कहना है। हाँ, तो इस बार चुनाव आप किस मुद्दे पे, इसी मुद्दे पे प्रत्याशी किसको चुनाव चुनेंगे इस बार? बदलेंगे सरकार या बदलाव चाहते हैं वो तत्कालीन सरकार है? हम सरकार बदल चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार बदलना चाहते हैं। सरकार क्यों बदलना चाहते हैं, मैं कुछ और साथियों से बात करेंगे। ये मंडी यहाँ पे मंडी लगती है, मधुपुर में काफ़ी बड़ी मंडी है। हम बात करना चाहेंगे इस बार कुछ लोगों से जो मंडी ऑपरेट करते हैं। कुछ आइए, आपसे बात करना चाहते हैं। ये बताइए कि वोट देना है? हाँ, वोट देना है। तो वोट किस मुद्दे पे देना है? हमको विकास चाहिए। विकास तो सरकार कर रही है, नहीं कर रही है सरकार, वो लॉलीपॉप देकर हम लोगों को झांसे में डाल लिया। 5 साल का हम लोग 10 साल भाजपा की सरकार देख चुके हैं, हमको इंडिया गठबंधन चाहिए। क्यों, मतलब क्या आपके क्षेत्र में क्या मतलब प्रमुख समस्या हल नहीं हो पाई? व्यवस्था है, खाद से है, पानी से, बिजली से, सब कुछ से व्यवस्था है। देखिए हम लोगों का टाव अथवा हो गया, उसका निरस्त कर दिया गया, सब कुछ का व्यवस्था हम लोग को चाहिए। हम लोगों के मंडी में पानी का व्यवस्था नहीं, क्या हम लोग भाजपा सरकार की हमको कोई जरूरी नहीं है, हमको इंडिया गठबंधन चाहिए। भाजपा के नेता आपके एरिया में कोई विकास नहीं कर पाए, आपका ये कहना है? तो आपको उम्मीद है कि इस बार सपा सरकार या कांग्रेस का जो गठबंधन है? हम लोग उम्मीद लगाए हैं, उस पर जताए हैं कि सत्ता परिवर्तन हम लोगों को होना चाहिए। अच्छा, आए थे आपके उम्मीदवार जो हैं, वो आए थे आप लोगों के बीच में भी? हाँ, अभी आए थे। हाँ, क्या नाम है उम्मीदवार? छोटेलाल खरवार उम्मीदवार हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जनता जनार्दन का समर्थन उनके तरफ यहाँ पे दिख रहा है। इन लोगों का कहना है कि क्षेत्र में विकास कि गंगा जो बही है केवल कागजों में है, प्रैक्टिकल रूप से धरातल पे कोई विकास दिख नहीं रहा है। मंडियों में न पानी की व्यवस्था है,
टंकी का सप्लाई हो रहा है, अभी तक सप्लाई नहीं हुआ, अभी टंकी अधूरा पड़ी है, अभी पाइप लाइन इतनी किचड़ा हो गया गांव-गांव का रास्ता। आप जाइए रोड पर देखिए कि गांव सरकार कर रही है हमको रोड बनवा रहे हैं, जाके देखिए हमारे क्षेत्र के अंदर में, बारह गाँव के अंदर में देखिए कि रोड कैसा है। बस आएंगे अधिकारी बस रोक लेंगे, गरीबों को वहाँ जब तक नहीं जाए देंगे, क्योंकि जाके देखिए कि कचरा है कि नहीं, गड्ढा है कि मुक्त है। रोड गड्ढा मुक्त नहीं है? नहीं है, रोड बनी नहीं है? नहीं है, एक इंची अभी मोटरसाइकिल, अभी रोड बन रहा है, एक इंची अभी मोटरसाइकिल ज्यादा वो उधरा जा रही है गिट्टी। कहना है कि रोड जो बनी भी है उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि एक इंच मामूली से तारकोल की गिट्टी पड़ी हुई है, बकिया अगर मोटरसाइकिल चली जाए तो रोड उखड़ जाती है, भ्रष्टाचार। कमरिया गाँव का है जी, जी अभी अभी हम तत्काल दिखा सकते हैं, हमारा एक किलोमीटर के अंतर्गत में, जाइए देखिए कि अभी उड़ा है कि नहीं उड़ा। चलिए कुछ और साथी हमसे जुड़ेंगे और हम लोग बातचीत करेंगे, इसमें मंडी में हम लोग हैं इस समय, और बातचीत करेंगे किस तरीके से, जानेंगे हाल चाल कि इस बार का इलेक्शन जो है किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। हम आपके साथ हैं भाई। भैया वोट करेंगे क्या आप? हाँ, वोट देना है आपको इस बार? हाँ वोट देना है। अच्छा, क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पे वोट देंगे आप, क्या आपका मुद्दा है कि उस मुद्दे को देख के वोट देंगे? क्या मुद्दा है, क्या वोट देंगे और क्या? किस मतलब किस तत्कालीन सरकार को वोट देंगे या बदलना चाहते हैं, किस वे में वोट देंगे? बदलना चाहते हैं। अच्छा, सरकार बदलना चाहते हैं? सरकार बदलना चाहते हैं, इसलिए वोट देंगे? इसलिए वोट। अच्छा, क्यों सरकार बदलना चाहते हैं आप? सरकार बदलना चाहते हैं, इतनी महंगाई चल रहा है, हर एक चीज नहीं नहीं इतना महंगाई चल रहा है, इतना देख रहे हैं या कुछ भी। महंगाई मुद्दा है, कुल मिला जुला के महंगाई मुद्दा है। हमारे भाई साहब का कहना है कि महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि सरकार बदलना चाहते हैं। गरीबों की क्या विषय में आप बात कर रहे थे? गरीबों का जो खा जी रहे हैं वही तरह खा जी रहे हैं, गरीब क्या गरीबों को दे देते हैं ज्यादा का। खाद भी सब तो महंगा है यार। अच्छा, खाद भी सब महंगा है? सब महंगा है। अच्छा, आप लेके जा रहे हैं क्या करने के लिए? लेके जा रहे हैं खाने के लिए? लेके जा रहे हैं खाने के लिए। अच्छा, तो ये बताइए कि सब्जियां महंगी है या सस्ती है? सब्जियों का रेट नहीं है और आपका ये खाद बीज सब कुछ महंगा है। अच्छा, मतलब किसानों को रेट उनके पैदावार का नहीं मिल पा रहा है और जो प्रोडक्ट हैं कंपनियों के, खाद हैं, बीज हैं, पेस्टिसाइड हैं, ये सब सारे चरम सीमा पे इनकी महंगाई है। ये बताइए, आप मंडी में खड़े हैं जी सर, किसानों का बढ़िया से मूल्य दिलवा पा रहे हैं आप? नहीं नहीं मिल रहा है सर। प्याज कैसे बिक रही है इस समय? प्याज इस समय यह 14-15-12 यह बिक रहा है। अच्छा, इससे किसान खुश हैं? खुश नहीं है, एकदम संतुष्ट नहीं है। अच्छा, वोट किस पे आप लोग कर रहे हैं? वोटिंग हम लोग सिर्फ सपा के करेंगे, बदलाव बहुत जरूरी है, बीजेपी से एकदम गिरना है। बदलाव, सरकार का बदलाव बहुत जरूरी है भैया। क्यों जरूरी है सरकार को? किसान सम्मान निधि भी दे रही है सबको। अरे क्या दे रही है, इधर 5 किलो राशन बांट रहा है, उधर 5 किलो यूरिया डाई कम हो गया, रेट दूना हो गया, तो फायदा कहाँ है किसानों को? किसान को उससे कोई फायदा नहीं मिलता। पाँच लाख 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया लेके लगा के पढ़ लिख के अंडा बेचत हवन, सब्जी बेचत हवन, रोजगार घरे खोजत हवन, सरकार के कोई रोजगार ना हो, तो बदलाव बहुत जरूरी है भैया। लेकिन सरकार तो कागजों पे बहुत दावा कर रही है कि ये रोजगार, कागज पर रहने से कोई फायदा नहीं दिखना चाहिए। कहना है कि सरकार का जो दावा है केवल कागजों पे है और सड़क पे उसका दावा, ग्राउंड पे उसका दावा, जमीनी स्तर पे उसका दावा विफल महसूस हो रहा है। किसानों का कहना है कि खाद और बीज की महंगाई चरम सीमा पे हो गई है और किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्हें व्यापारी जो है कि चक्कर लगा रहे हैं, किसानों का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस आप भाई साहब नाम बताइए अपना? रवि सोनकर जी मंडी में आप खड़े हैं जी, किसानों की हालत क्या है? अभी तो फिलहाल सही नहीं चल रहा, सब्जी सब सस्ता हो गया है। सब्जियां सस्ती हो गई? सब्जी बहुत सस्ता हो गई। ये तो अच्छी बात है, सब्जियां सस्ता हो गई, महंगाई कहाँ रह गई तब? नहीं तो सब्जी पे डिपेंड नहीं करता महंगाई। अच्छा, महंगाई सब्जी पे डिपेंड नहीं करता, उसका खेत में ज्यादा आमदनी हो जाने की वजह सस्ता होती है, इससे सरकार से कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, तो आप लोग वोट किस पे करेंगे इस बार? अब ये तो नहीं बता सकते। नहीं मतलब मुद्दा क्या है आप लोगों का, किस तरीके के प्रत्याशी? विकास देख ही रहे हैं, बताने कोई जरूरत नहीं है, विकास देख ही रहे हैं। विकास तत्काल सरकार कर रही है, तब तत्काल सरकार को ही बनाएंगे, सब समझ लीजिए, तत्कालीन सरकार को ये लोग बनाएंगे। और इनका कहना है कि विकास हो रहा है और विकास व्यापारी वर्ग का भरपूर हो रहा है, किसानों का हो चाहे ना हो, व्यापारियों का विकास भरपूर हो रहा है। वो बनारस में हो रहा है, वो बनारस में सिर्फ विकास मोदी कर रहे हैं।
इधर आइए। देखिए, सच्चाई किसान ही बता सकता है जो ग्राउंड जीरो से जुड़ा हुआ है, किसान जमीन से जुड़ा हुआ है। हम लोग जमीन से जुड़े हैं, हम लोग का विकास यहाँ नहीं हुआ, वो काशी में आएंगे बाबा विश्वनाथ के, वहीं विकास कर रहे हैं। क्या क्या खेती करते हैं? हम लोग खेती करते हैं, देखिए टमाटर का, मरचा का, इनका सब कुछ, नेनुआ का 1 रुपया किलो बिक रहा है। 1 रुपये किलो नेनुआ बिक रहा है, सब्जियाँ 1 रुपये किलो, 1 रुपया बिक रहा है। बताइए, डीएपी 1400 रुपया जा रही है। अच्छा, नेनुआ 1 रुपया बिक रहा है, खीरा 2 रुपया बिक रहा है। तो देखिए हिरमाना कितना पैदा करके आदमी आए हैं, सब 2 रुपया बिक रहा है। अच्छा, ये सरकार, ये कहना ये है कि सरकार, इन लोगों का कहना ये है कि किसानों को जो डाई है, यूरिया है, खाद है, बीज है, वो सब सारी चीज़ें बहुत ही महंगी हो गई हैं और इनका जो प्रोडक्ट है बहुत सस्ता बिक रहा है मार्केट में, मंडियों में। क्या भाई साहब आप बताइए कि किस मुद्दे पे इलाके का चुनाव हो रहा है? भैया, जब नमक पर भी GST हो तो कौन आदमी देना चाहेगा वोट भाजपा को? अच्छा, तो और क्या मुद्दा क्या है, समस्याएं क्या है क्षेत्र की? इतनी समस्याएं हैं कि कहां नहीं जा सकता बड़े भाई। अच्छा, समस्याएं इतनी है कि कहां नहीं जा सकता। तो ये बताइए कि वोट जो है सरकार बदलाव के लिए होगा या सरकार को, तत्कालीन सरकार को कुर्सी में बैठे रहने के? नहीं भैया, बदलाव होना तो जरूरी है, पूरे लोगों का राय है। जब सबकी राय है तो हमारी राय अलग कैसे हो सकती है? अच्छा, बदलाव चाहते हैं आप लोग? जी भैया। बदलाव क्यों चाहते हैं? पूरे एरिया का राय है तो हम अकेले कहाँ रहेंगे बड़े भाई। अच्छा, पूरा एरिया जब सक्षम है छोटे लाल खरवार के लिए तो हम अकेले काहे कमल का बटन दबाएं बड़े भाई, बताइए। अच्छा, इनका कहना है कि पूरा एरिया, पूरा माहौल ही इस बार चेंज है और छोटे लाल खरवार जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको इन लोग चुनने के लिए मन बना बैठे हैं। भैया, युवा हैं आप, इस बार वोटिंग में आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ सर। चुनाव में वोट करेंगे? एकदम। मन बना लिए हैं? एकदम। किसको वोट करने का है? इस बार हम राहुल गांधी को लेना चाहते हैं। राहुल गांधी को? लेकिन आपके यहाँ तो राहुल गांधी नहीं खड़े हैं। उससे का गठबंधन है सरकार ना, साइकिल पे उठ जाएगा इधर का सब। अच्छा, मतलब केंद्र में राहुल को देखना चाहते हैं? हाँ, राहुल को ही, उससे नेता कोई अच्छा नहीं है। उससे अच्छा नेता नहीं है? उससे अच्छा और केजरीवाल से अच्छा कोई नेता ही नहीं आज तक हुआ। आप युवा हैं एकदम, और युवा पीढ़ी जो है कि आगे का भविष्य देखती है, किस काहे आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब क्यों? सर, ऐसा है कि हमारा सिलेक्शन हो गया था इंडियन आर्मी में क्लर्क में। अच्छा, 2022 में 4 साल की नौकरी लाया, उससे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर उसने क्या है कि जब आप अग्निवीर लाए तो जो उसके पहले भर्ती थी 1.5 लाख लड़कों की, उनको आप फाइनल करा करके लाना चाहिए था। 1.5 लाख लड़कों की ज्वाइनिंग कैंसिल किया, उसके बाद आप हम लोग को पेंडिंग में डाल दिया, अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है। कहने का मतलब कि मौजूदा सरकार आपको रोजगार नहीं दे पाई? नहीं दे रही है, 4 साल की सेना कर दिए, बताइए कोई अथु है? उसका पेंशन खत्म कर दी, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, क्या है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। अगर इस तरीके से आप कह रहे हैं तो यानी आपका इसी मुद्दे को लेके वोट जो है विपक्ष को जाएगा। और राहुल गांधी जी आएंगे, 1.5 लाख का ज्वाइनिंग होगा, 1.5 लाख लोगों का, और अग्निवीर समाप्त करेंगे। ये आप सबसे पहले मुद्दा उनका ही है। अच्छा, यही मुद्दा है, आप ये ठान चुके हैं कि इस बार सरकार चेंज करेगी? एकदम, आज से नहीं, जब कैंसिल किए तो उसी समय। मेरा भाई भी सगा अगर प्रत्याशी रहेगा भाजपा से, उसको वोट नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि अगर मेरा भाई भी रहेगा सगा बीजेपी का प्रत्याशी रहेगा तो मैं उसको वोट नहीं करूंगा। युवाओं में गुस्सा है, गुस्सा लेके इस बात का है कि नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, युवा बेरोजगार खड़ा है आज मंडी में खड़ा है। एक युवा को जो बॉर्डर पर रहना चाहिए, आज वो युवा मंडी में खड़ा है, सब्जियाँ बेचने को तैयार है। इसी सिलसिले में हम कुछ और साथी से बात करेंगे, अपने और साथियों से बात करेंगे। ये टमाटर की जगह पे आप खड़े हैं, इधर दिखाइए, टमाटर बहुत है यहाँ पे। हाँ, तो अब क्या करेंगे, कोई काम ही नहीं है, तो जो काम है वही करेंगे ना। टमाटर बेचेंगे? अरे टमाटर बेचेंगे, मिर्चा बेचेंगे, अदरक बेचेंगे। सरकार तो बुला के नौकरी दे रही है। अरे नौकरी कहाँ मिल रहा है भैया, सरकार तो बुला के नौकरी दे रही है। अरे कहाँ बुला करके नौकरी, आप टमाटर बेचने में लगे हैं तो क्या करेंगे? टमाटर बेचना भी देश का सेवा है। ये बताइए वोट किस मुद्दे पे इस बार होगा? देखिए परिवर्तन तो लाना जरूरी है, हम लोग भी थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे। थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे, एकाक पंचवर्षीय देखेंगे फिर उसके बाद में। अच्छा, मतलब पूरा पंचवर्षीय, मतलब सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? हाँ, एकदम परिवर्तन करना। अच्छा, तो मूड क्या बनाया है इस बार, लोगों का प्रमुख समस्या क्या है क्षेत्र की? हम लोग मूड देखिए बनाए हैं वहीं देने के लिए, कांग्रेस को वोट करेंगे, जैसे सपा गठबंधन सरकार है तो हम लोग गठबंधन ही को देंगे। जी जी, ये हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जो क्षेत्र है आपका, उस क्षेत्र में प्रमुख समस्याएँ क्या है जो अभी तक नेतागण नहीं सुलझा सके? इसमें अब हम लोग क्या बताएंगे, कोई सुलझाया है क्या, सब सुलझाएगा कोई मैटर? अच्छा, मतलब सुलझाए नहीं है, इसी सिलसिले में जब सुलझाए नहीं तो वोट में उनको, वोट के चोट से उनको रास्ता दिखाया जाएगा। हाँ, परिवर्तन तो करना जरूरी है, वोट की चोट से जनता परिवर्तन करना चाहती है और दिल्ली में बैठी सरकार को बदलना चाहती है। सरकार
चेंज करने के लिए लोगों ने मांग की है, प्रयास। इस बार किस पे वोट करना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम जो के साइकिल को दे, साइकिल कोट देंगे। हाँ। बदलाव चाहते हैं, बदलाव, सत्ता बदलना चाहते हैं। हाँ। क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि कुछ हम लोगों की ऐसी समस्या है कि जहाँ तक हम लोगों की व्यवस्था नहीं मिल रही, सुनवाई नहीं हो पा रही। नहीं, अच्छा, हम और एक और ड्राइवर साथी से अपने बात करना चाहेंगे, जो ड्राइवर है, मंडी समिति में गाड़ी चलाते हैं, मंडी की गाड़ी चलाते हैं, और ये पिकअप है, मिर्चा धनिया सब लिए बैठे हैं। ये बताइए कि वोट किस पे इस बार होगा? देखिए, क्या है आपका मुद्दा? सब एक ही होता है, कोई सपोर्ट कोई नहीं देता है अपना। अच्छा, नहीं, आपकी समस्याएं क्या हैं जो मतलब तत्कालीन सरकार नहीं सुन पाई? सरकार कोई के नहीं सुनता है। अच्छा। तब तक चुनाव रहेगा, तब तक आदमी घोड़ा गिरेंगे, वैसे कोई नहीं पूछेगा। इस बार वोट किस पे देंगे? हम कोई के नहीं देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे। नहीं, अकेला कमाना है, अकेला खाना है, कोई नहीं है धरती पर। मतलब आपसे एकदम विरक्ति हो गई वोट से, नेताओं से एकदम एकदम मन उठ चुका है। ये वोट, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ गया, 1 तारीख को इलेक्शन होने वाला है सोनभद्र में, वोटिंग के लिए क्या मूड बनाए हैं आप लोग? क्या बनाए, जो समय पर रहेगा उसको देंगे। नहीं, समय पर तो सारे लोग, सारे प्रत्याशी हैं, आप किसको वोट देंगे? वो हमारा मत, हम पहुंचेंगे जिसको चाहेंगे उसको। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। बदलाव चाहते हैं या वही सरकार चाहते हैं? कोई भी बनेगा खाने के लिए नहीं देगा, सुन लीजिए सीधी सी बात। 5 किलो राशन तो मिल रहा है, मोदी सरकार दे रही है। का आज तक हमको दिया है मोदी सरकार राशन? हमारे घर पहुंचाया है। आपको नहीं दिया? नहीं दिया है। अच्छा, तो योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिला? कभी नहीं मिला है। यानी बदलाव करेंगे इस बार? हाँ, हम मतलब क्यों कहेंगे, हम बदलाव करेंगे, जिसकी किस्मत होगी वो बनेगा। अच्छा, किस्मत तो आपके हाथ में है। हमारे हाथ में नहीं है, हमारे ही अकेले देने से नहीं होता है। हमको कुछ नहीं मिला है, मोदी साहब इनको 11 सिलेंडर फ्री में देकर हर महीने इनको भरने के लिए 400 के जगह 1200 रुपया देते हैं, हगने के लिए शौचालय बनवा के दे दिए। यही विकास है भाजपा का। पैसा कैसे देते हैं, ऑनलाइन देते हैं क्या आप? मोदी सरकार, आप बोल रहे हैं पैसा देते हैं? अरे, इनको भी पैसा आता है, इनके बाप को पैसा आता है, झूठ बोल रहे हैं और क्या आता है मोदी देता है? अरे, किसान नहीं है, पेंशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? राशन और पेंशन आपके जैसे नहीं है। जो कह रहे हैं भाजपा विकास किया है, आपको शौचालय दे दिया है, सिलेंडर दे दिया है, बिजली तो पहले से थी कि आज मोदी अपने घर से दे रहे हैं? अरे, कोई घर से दे देगा क्या? हाँ, क्या है, इसके पहले आपको लाइट नहीं मिलती थी? कई घंटे मिलती थी आप बताइए। दिन में पूरा रात भर किसान जो 7.5 घंटे लाइन मिलती थी, आज किसान में धान और गेहूँ भरना था, रात में लाइट देती थी, आज उसका आवश्यकता नहीं है तो दिन में दे रहा है। बिजली फ्री में मिल रही है आपको? नहीं, फ्री जब पहले था तो क्यों कहते हैं कि तब क्यों कह रहे हैं कि भिंडी 10 रुपए किलो ही बिकी है किसानों को? हम लोग आधा बिल देते हैं इस समय, 5 हाँ उनसे ड्राइवर साहब उनसे पूछिए। आप बताइए, हम तो आधा बिल देते हैं भाई, 5 HP कनेक्शन है। आप सरकार में कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं है, नहीं कार्यकर्ता, क्योंकि इस समय सबका कहना है कार्यकर्ता लोगों को ही लाभ बहुत भरपूर मिल पा रहा है, इसीलिए लाइट इनका फ्री है, कनेक्शन गैस कनेक्शन जो है इनको सिलेंडर अलग से टंकी वाला घर पे भिजवा देता है 400 में, हम लोग तो 1200। अच्छा, राशन भी आपको नहीं मिलता होगा? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? अरे, हम लोगों को नहीं मिलता है, बात खत्म। अरे, ये सब झूठ है बोल रहे हैं तो क्या? नहीं, आप चलिए हमारा फिंगर लगवा लीजिए। नहीं, जो है हमारे यहाँ 4 कोटेदार है, किसी से पूछ लीजिए आप। आज तक शौचालय मधुपुर में 4 ठो है शौचालय, आज तक राशन देता होगा, 4 तो देते नहीं, तो किसी के यहाँ पता कर लीजिए ना, हमारा राशन कार्ड नहीं है, और शौचालय आज तक बना है, कोई चेक न दिया ना कुछ, अपने पैसे से बनवाए हैं। ये प्रधान की कमजोरी है कि नहीं, नहीं, ये युवा है, युवा देश का भविष्य होता है, और आप जो है कि जिंदगी जी चुके हैं एक तरह से, ये भविष्य को देख रहे हैं, यानी ये गलत हैं, भविष्य देखने वाला गलत है, और भविष्य में बैठा हुआ व्यक्ति सही है। आप कुर्सी में हैं, आप सत्ता में हैं, इसलिए आपको नहीं सत्ता की बात, जातिवाद से नहीं होता है कि आप पटेल हैं तो आप जो है कि अपना दल देखते हुए वोट दें भाजपा को, हम मौर्या हैं मगर हम सपा को वोट देंगे। क्या कहना है? विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या जाति विशेष पे वोट होता है क्या? लगता तो यही है कि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण की लड़ाइयाँ चलती हैं। अच्छा, ये बताइए कि जाति विशेष पे वोट अगर नहीं होता है तो आपकी जो प्रत्याशी हैं कौन है मालूम है? वो तो आदिवासी हैं। क्या नाम है उनका? रिंकी कोल है। अच्छा, रिंकी कोल किसकी बहू हैं? पकौड़ी लाल। वो कौन से पूर्व सांसद थे आपके? जी, पूर्व सांसद थे। अरे, वो सांसद थे, वो बदलू नेता हैं। उन्हें की जो है कि इस बार सीट मिला है। अच्छा, इससे पहले सपा में लेकिन आपकी बीजेपी सरकार जो है कहती है परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पे तो परिवारवाद में ही टिकट मिला हुआ है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरे यार, ऐसी बात है कि देखिए, कहीं तो पूरा परिवार को दे रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं।
ये हम टिकट थोड़ी दे रहे हैं। नहीं नहीं, आपका प्रत्याशी भी तो परिवारवाद से ही आता है। सबके प्रत्याशी आते हैं जो है कि इस बार छोटेलाल खरवार को यहाँ से मिला है सपा से। इससे पहले वो थे पूर्व सांसद, काम ठीक ठाक किए हैं, उम्मीद है कि फिर भी ठीक ठाक करेंगे। आप मधुपुर में आड़ती हैं, हाँ ये बताइए कि किस मुद्दे पे इस बार चुनाव हो रहा है? विकास के मुद्दे पे होगा, जो कि मोदी सरकार में बहुत महंगाई हो गया है, इसलिए हम लोग इस बार सपा को ही वोट देंगे। आपके पास कम से कम किसान सैकड़ों की संख्या में आते हैं पर डे, अपना सामान लेके, अपना सब्जी लेके, हजारों की संख्या में आते हैं। अच्छा, किस तरीके की उनकी समस्या रहती है? क्या उनको उनका मूल्य मिल पाता है? नहीं मिल पा रहा, सब्जी 3 रुपया किलो बिक रहा है, खाद 1400 रुपया 1500 रुपया बोरी मिल रहा है, कहाँ से उनका विकास होगा? सब्जी 3 रुपया किलो बिक रहा है तो ये तो आम लोगों के लिए महंगाई नहीं है, सस्ता हो गया है सब कुछ? सस्ता है तो ठीक है भाई, किसान पैदा कर रहा है, पानी की समस्या है, खाद की समस्या है, जुताई पेट्रोल डीजल महंगा है, उसकी लागत नहीं निकल रहा है तो कहाँ से किसान खेती करेगा? और इसीलिए देखते हुए हम लोग फिर से सपा को ही वोट देंगे। सपा में आपको लगता है कि किसानों का उद्धार होगा? हाँ होगा। तो ये बताइए भैया, आप किसान हैं? किसान हैं? हाँ किसान तो हैं। अच्छा किसान है, क्या क्या उपजाते हैं अपने यहाँ? इस समय क्या खेती हो रही है? इस समय कौन सी खेती होगी? नहीं मर्ची खेती होगी। क्या निकला है इस समय आपके प्रोडक्ट में? भिंडी वगैरह है। भिंडी वगैरह है, तो ये बताइए कि किस मुद्दे पे चुनाव इस बार हो रहा है? आप लोग चुनाव का चल रहा है दौर, चुनना किसको चुनना चाहेंगे आप लोग? देखिए हम लोगों के समझ में तो जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। कौन सरकार? जो सरकार वर्तमान में है वो अच्छा काम कर रही है। वो अच्छा काम कर रही है, किसानों के हित में है, सबके हित में काम कर रही है, तो वो भी ठीक है। अच्छा, आय दुगनी हो गई है पहले से आपकी? नहीं नहीं, आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन विकास तो हुआ है। किस तरीके का विकास हुआ है? विकास ये हुआ कि हमारे सोनभद्र में बिजली पैदा होती थी, आधा सोनभद्र अंधियारे में था, लेकिन इस समय हर घर पर लाइट पहुंची है, 18 घंटे बिजली मिलती है, किसानों को फसल का वो है जो कि रेट चाहिए, खादी चाहिए और समय से बिजली चाहिए, इसके बाद हमको और चाहिए क्या? क्या लेके आए हैं आज मार्केट में, मंडी में क्या लेके आए हैं? भिंडी लेकर आए हैं। भिंडी कितने रुपए किलो बिकी? 10 रुपये के जी बिकी है। अच्छा मूल्य मिला आपको? अरे नहीं अच्छा नहीं मिला, कुछ तो मिला। अब अच्छा नहीं मिला कुछ तो मिला, किसानों का ये कहना है कि उनका मूल्य अच्छा नहीं मिला मगर कुछ तो मिला। डीजल और खाद की बात किया जाए तो डीजल और खाद आसमान छू रहे हैं उनके रेट, और किसानों को और अन्यत्र अगर किसानों से हम पूछे तो उनका राय है कि डीजल और खाद जो है हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, सब्जियों का मूल्य मिल नहीं पा रहा है। भिंडी 10 रुपये किलो बिक रही है, नेनुआ 1 रुपये किलो बिक रहा है, इससे किसानों का भरण पोषण नहीं हो सकता। हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे। चाचा आप इस बार वोट है आपका? वोट तो हमेशा रहता है। इस बार वोट देंगे? वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ। ये बोरे में क्या लिए हैं? बोरे में या हम गौशाला के लिए गाय के बीनते हैं, गाय का चारा लिए हैं। अच्छा तो वोट आप इस बार किस मुद्दे पे देंगे? किस मुद्दे पे देना चाहेंगे? मुद्दा हम लोगों को समझ में नहीं आता है, मुद्दा बार बार उठाया जाता है। राशन मिलता है आपको? राशन तो मिलता है, वो ना मिले तो बड़ा सही है, इसलिए कि 50 ग्राम मिलने से कोई फायदा है नहीं। अच्छा, और कुछ छीना जा रहा है हम लोगों का हक? क्या छीना जा रहा है हक? अरे आरक्षण फरक्षण सब छीना जा रहा है। तो अभी इस बार इलेक्शन में आप वोट मतलब किधर देना चाहते हैं? तत्कालीन सरकार को बिठाना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। कहाँ के निवासी हैं आप? इसी जगह का, मधुपुर का। मधुपुर के, मधुपुर की जनता, गरीब जनता से अगर बात किया जाए तो मधुपुर की गरीब जनता जो है, निचले स्तर की जो लोग हैं उनको, उनका कहना है कि राशन 5 किलो मिलने और ना मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनका हक मारा जाता है, जमीनी स्तर पर उनको पूरा हक नहीं मिल पाता है, और इस बार बदलाव की बयार बह रही है।